भाई मेरे अब हो चुकी है स्टार्टिंग वॉल्वो के उस फीचर की जो कि माइंड ब्लोइंग है और ये माइलेज बहुत अच्छी दे रही है। सबसे अच्छी बात दोस्तों यही है, डीजल इंजन होने के बावजूद भी ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप दिख रहे हैं आपको इसके अंदर। ऐसा नहीं लगता कि एक प्री ओन्ड कार है, एक लेस ड्रिवन कार दिखती है और एक हाईली मेंटेन कार लगती है। अब इसकी की है मेरे पास, मैं आपको की दिखाना चाहूंगा। Yo everyone, this is Irfan and welcome to My Country Marad। आपका बहुत बहुत स्वागत है My Country Marad के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और ब्रांड न्यू कार आज हम लेके आए हैं आप सब के लिए, क्योंकि आज आ चुकी है वो वाली कार जो वर्ल्ड की सेफेस्ट ब्रांड है, जिसे हम कहते हैं वॉल्वो। आज जो हम गाड़ी आपके लिए लेके आए हैं ये है वॉल्वो की S90। क्या डिटेल है, किस प्राइस में अवेलेबल है, ये सारी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। बट उससे पहले एक ही गुजारिश करूंगा, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और जल्दी से कर दें कमेंट अपनी फेवरेट कार या अपनी ड्रीम कार जो आप चाहते हैं ख़रीदना, और हम कोशिश करेंगे उस गाड़ी को फीचर करने की। बट अभी के लिए जानेंगे इस गाड़ी की डिटेल, ये किस प्राइस में अवेलेबल है और क्या डिटेल है इस कार की। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नमन फ्रॉम ऑटोबेस्ट इम्पीरियो, जहां से ये गाड़ी आई है आप सब के लिए। और आज हम लोग कर रहे हैं वॉल्वो ब्रांड को फीचर, काफ़ी टाइम हो गया। अब नमन से ये जानते हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है वॉल्वो का और कितनी रीसेंट है ये कार। तो नमन, ओवर टू यू। जी, तो ये जो वॉल्वो है दिस इज़ 2019 मॉडल कार, मतलब मैनुफैक्चरिंग भी 19 एंड रजिस्ट्रेशन भी 19 है। एंड ये वाली जो गाड़ी है दिस इज़ मोमेंटम वेरिएंट। वॉल्वो में हमें दो वेरिएंट मिलते हैं जो कि होता है इंस्क्रिप्शन एंड मोमेंटम। ये वाली जो है ये लोअर वेरिएंट है मोमेंटम, इसमें थोड़ा सा फीचर्स का डिफरेंस आता है जो कि इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं। इंजन की बात करें, इंजन का कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों में ही 2000cc इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन है। एंड ये भी डीजल वेरिएंट है, इंस्क्रिप्शन में भी डीजल ही आती है। तो इंस्क्रिप्शन और इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर फ़र्क तो नहीं हो जाएगा? बात करेंगे डिफरेंस की, जैसे कि सपोज एक सबसे पहला डिफरेंस आ जाएगा अलॉय व्हील्स का, वो मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, इसमें स्पोक्स थोड़े कम हो जाते हैं एंड थोड़े से ब्रॉडर हो जाते हैं। ओके, उसके साथ साथ आगे हम यहाँ पे देख रहे हो जो बम्पर पे ये फिनिश है, जो ये गार्निश है इसकी ब्लैक पार्ट की, उसमें क्रोम फिनिश मिलती है हमें। ओके ओके, एंड LEDs में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है, प्लस ये वाली जो है फुल एक्टिव हाई बीम है। एंड जो नॉर्मल इंस्क्रिप्शन देखी होगी उसमें आगे हमें यहाँ पे कैमरा मिलता है 360 डिग्री। अच्छा, इसमें 360 नहीं होगा, इसमें हमें नॉर्मल रिवर्स कैमरा मिलता है। एंड और अंदर फीचर्स का डिफरेंस आता है, वो हम जब अंदर बैठेंगे तो आपको उसका डिफरेंस। लेकिन दोस्तों फिर इंस्क्रिप्शन के प्राइस में भी तो डिफरेंस आपको मिलेगा ना। अब इंस्क्रिप्शन अगर आप लेंगे तो उसका प्राइस अकॉर्डिंगली इंस्क्रिप्शन होगा, बट अगर इतने फीचर्स की यूजेज नहीं है और कोई वॉल्वो पर्टिकुलरली ड्राइव करने के लिए कोई ले रहे हैं कस्टमर, तो उनके लिए परफेक्ट गाड़ी, क्योंकि ड्राइव में कोई डिफरेंस नहीं आता दोनों की। हमारी इस गाड़ी की कंडीशन कैसी है? बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, अगर आप बताओगे तो ज़्यादा बेटर हमें समझ आएगा हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि मैं तो अपनी गाड़ी की तारीफ करूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, वैसे अब आप देखोगे ना इसकी बॉडी लाइन, तो गाड़ी कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगता कि एक प्री ओन्ड कार है, एक लेस ड्रिवन कार दिखती है और एक हाईली मेंटेन्ड कार लगती है। अब इसकी की है मेरे पास, की बहुत शानदार है, जैसे वॉलेट होता है बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ पे इसके बटन दिए हुए हैं, तो बूट ओपन करता हूँ मैं एक बार, तो ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलता है। एक सेडान गाड़ी होने के साथ साथ ये स्पेशियस भी बहुत है, काफ़ी स्पेशियस कार है। आप देखोगे पीछे एंड टू एंड काफ़ी डेप्थ है। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं मिलता इसमें हमें, इंस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, इसमें आप इसको आपको मैनुअली करना पड़ता है। इंस्क्रिप्शन में आपको फुट सेंसर भी मिलता है, बट अगेन वी कम टू दैट पॉइंट, अगर किसी की इतनी इस चीज़ की यूजेज नहीं है तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू बाय। टू ब्रांडिंग देख रहे हो यहाँ पे, हाँ। D4 की, मतलब इट इज़ अ 4 सिलेंडर कार। डीजल इंजन होने के बावजूद भी ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, ये एक बहुत ही मतलब रेयर बात हो जाती है, अक्सर आपको सिंगल एग्जॉस्ट पाइप दिखता है। स्पेस की मुझे कोई कमी नहीं लगी, जबकि आगे वाले जो बंदे ड्राइव कर रहे थे वो 6-6 फुट के थे और उन्होंने पूरी सीट पीछे कर रखी थी। एंड अभी भी वैसी है, और अभी भी बिल्कुल वैसी है, और मैं बैठा हुआ था और मैंने लेग्स अच्छे खासे स्ट्रेच किए हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब यार स्पेस की दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। और कई गाड़ियों में क्या होता है, जो पीछे की सीट्स होती हैं अगर वो रिक्लाइनर नहीं होती है तो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशंस में होती हैं वो सीट, बट इसकी वैसे नहीं है, थोड़ी वैसी रिक्लाइंड है ताकि आपको जो कंफर्ट मिल रहा है थोड़ा बहुत वो मिलता रहे।
उसके साथ साथ हेड रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेग रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको फोर जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, दोनों यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो इजीली। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर ना एक बहुत बेहतरीन फीचर आता है जिसे हम कहते हैं पार्क असिस्ट, वो भी देखेंगे और जानेंगे कि मोमेंटम में क्या क्या फीचर अपने को मिलते हैं और कैसी है ये कार चलने में, ये भी देखते हैं आइए चल के। तो अब हम लोग हैं वॉल्वो की ड्राइव पे, वॉल्वो की सेडान कार है ये, इसे कहते हैं S90। चली हुई है 14,800 किलोमीटर ओनली, मतलब ये तो कुछ भी किलोमीटर नहीं है किसी भी कार के लिए। बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर आते हैं, सबसे पहले कॉकपिट नेविगेशन में देख पा रहा हूँ और बाकी नमन एक्सप्लेन कर देंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर है, क्योंकि जैसी मैं इसकी सीट पे बैठा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सीट एक तो बहुत अच्छी है, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें आपको लंबा सपोर्ट भी मिल जाता है। आप इंस्क्रिप्शन में देखते हैं तो ये डिफरेंस मिलता है, इंस्क्रिप्शन में हमें मिलता है मसाजर्स एंड इसके साथ साथ लंबर सपोर्ट और साइड बॉल्स्टर्स का भी इसमें ऑप्शन मिलता है, बट जो इसका आपका मोमेंटम वेरिएंट है उसमें आपको मसाजर्स नहीं मिलते, मसाजर नहीं मिलते। लेकिन ड्राइव जैसे कि आप कर रहे हो आपको समझ आ गया होगा कि ड्राइव में कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरह, क्योंकि इंजन और एवरीथिंग इज सेम। एंड ये जो गाड़ी है वॉल्वो S90, ये सबसे टॉप की जो इसकी वॉल्वो की सेडान होती है वो है, मतलब इससे ऊपर और कोई सेडान नहीं आती है। एंड इसमें वेरिएंट्स का डिफरेंस होता है। यहाँ पे बात करें इसके ओडोमीटर की, तो इसमें हमें डिजिटल ओडोमीटर मिलता है जो कि इंस्क्रिप्शन में भी सेम मिलता है, प्लस कॉकपिट नेविगेशन मिलता है गाड़ी में, दोनों साइड आप नेविगेशन ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा, आप एक चीज नोट करें दोस्तों कि ये टेस्ला वैसला तो मेरे को लग रहा है बाद में स्क्रीन आई होंगी, वॉल्वो ने ही पहले इतनी बड़ी स्क्रीन इन्वेंट करी थी अपनी गाड़ियों में, जो इतनी बड़ी स्क्रीन आपको पूरी डिजिटल स्क्रीन है। यहाँ पर इसके फीचर्स आ जाते हैं जिसमें आप ऑटो स्टार्ट स्टॉप हो गया, रोड साइड इन्फॉर्मेशन हो गया, लेन कीपिंग एड हो गया, या फिर आपके पैसेंजर सीट एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन, सारी चीजें आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो इजीली। आपको यहाँ से अपने फ्लो सेट करना है एसी का, वो भी टच स्क्रीन, कुछ भी आपने बटन से प्रेस नहीं करना, सब कुछ आपको स्क्रीन में गिवन है। मेरे को लगता है कि जो इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट है वो मेरे ख्याल इंस्क्रिप्शन में आपको मिलता है, इंस्क्रिप्शन में मिलता है, इसमें नहीं मिलता। तो जरा वॉइस कमांड चेक करते हैं आज वॉल्वो की। वॉल्वो प्ले रेडियो, सर्चिंग म्यूजिक एंड रेडियो, वाह म्यूजिक सर्च, व्हाट वुड यू लाइक टू लिसन टू। एक्यूरेसी तो होती है इन गाड़ियों में, आप ये ना सोचे कि मतलब ये गाड़ियां रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, हर चीज बिल्कुल तरीके से वर्क करती है इन गाड़ियों में। यहाँ पर आपको आपके इसके ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं जिसमें आपको मिल जाता है इको, कंफर्ट, इंडिविजुअल एंड डायनामिक। डायनामिक इसका स्पोर्ट्स मोड है, ओके, एंड इंडिविजुअल जो आप इंडिविजुअल ड्राइविंग के अकॉर्डिंग इसको सेट करके आप ड्राइव कर सकते हैं। कंफर्ट जो नॉर्मल डेली लाइफ में आप ड्राइव करते हैं, इको इज द फ्यूल सेवर जो एफिशिएंट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सपोज आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, FM है, मतलब सब चीजें आपको इसी स्क्रीन के अंदर मिलती है और कहीं आपको कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट स्टॉप बटन देखिए इसका। अब जरा मैं थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं डायनामिक में आ गए, तो डायनामिक कर दिया सिलेक्ट, थोड़ा सा खींचते हैं ये देख लीजिए। ओ भाई साहब, भागती है 2 लीटर भी, ऐसा नहीं है कि 2 लीटर अंडर पावर लगता है, बिल्कुल मतलब ड्राइव में फील आ जाता है। आप इसको एक बार आप नॉर्मल में ड्राइव करो और फिर इसमें डायनामिक में डिफरेंस देखना। जैसे अभी हम इको पे आ गए, मैं कंफर्ट पे आ गया, और ये माइलेज बहुत अच्छी दे रही है। सबसे अच्छी बात दोस्तों यही है, अब हम इस गाड़ी को लेके निकले हैं और हमने काफी इस गाड़ी को चला दिया और रेंज हमारे पास थी 120 की, और इतना चलाने के बावजूद भी इसमें रेंज जो बची हुई है वो अभी भी 110 की बची हुई है। जी बिल्कुल, इसका मतलब माइलेज बहुत अच्छी है गाड़ी। बिल्कुल, काफी अच्छी माइलेज है। आप डीजल में अगर कंपेयर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली नाना करते आपको 14-15 के आसपास एवरेज देती है, जो कि बहुत अच्छी है सिटी में, एंड हाईवे पे और ज्यादा दे देंगे आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा कुछ सामान भी रखा हुआ है, और यहाँ पे अपनी गाड़ी की है, और यहाँ पे एक ट्रे मिलती है बहुत बड़ी, ये शटर ऑफ करके आपको बेसिक स्पेस मिल जाता है जिसमें आपको एक सिगरेट लाइटर मिलता है, एंड यहाँ पर आपको नॉर्मल स्पेस मिलता है, यहाँ पे की स्पेस भी अलग से गिवन है। तो भाई मेरे अब हो चुकी है स्टार्टिंग वॉल्वो के उस फीचर की जो कि माइंड ब्लोइंग है, मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब माइंड ब्लोइंग है भैया। इतनी एक्यूरेसी से ये गाड़ी अपने आप पार्क होगी कि आप देखते रह जाओगे। जिन व्यूवर्स को नहीं पता है कि किस फीचर की मैं बात कर रहा हूं, नमन आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं वॉल्वो S90 के पार्क असिस्ट फीचर की। नमन, ओवर टू यू। तो पार्क असिस्ट फीचर जो होता है मेनली उनके लिए होता है, जैसे कभी किसी सपोज कहीं आप गए हैं किसी कंजेस्टेड एरिया में, आपको पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये फीचर तभी काम करता है कि ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लॉट अपने आप से ढूंढेगी एंड आपको असिस्ट करेगी कि यहाँ पार्किंग करना है। आपको बस ब्रेक हैंडल करनी है एंड गियर, ये स्टेयरिंग अपने आप मूव करके आपको गाइड करेगा कैसे कैसे पार्क करना है। तो वैसे अब हम शुरू करते हैं एक बार पार्किंग करना, कि जैसे हमारे व्यूअर्स को प्रॉपर पता चले कैसे ये वर्क करता है। करते हैं, सबसे पहले इसको हम डालेंगे ड्राइव मोड में। डी में आ गए हम। ये जैसे ही ड्राइव मोड में डालेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो पार्क इन एंड पार्क आउट का फीचर है। अभी हमने पार्क इन करना है तो हम प्रेस करेंगे पार्क इन, कर दिया, प्लस हम देंगे इंडिकेटर, तो यहाँ पर आ गया स्कैनिंग लेफ्ट, कीप क्लोज टू स्पॉट्स। अब हम थोड़ा थोड़ा इसको ड्राइव करते हैं और देखते हैं कि ये स्पॉट फाउंड करती है कि नहीं। स्लॉट फाउंड दोस्तों, ये देख लीजिए आप। अब ये क्या बोल रहा है, रिवर्स करने को बोल रहा है आप।
अब ये देख लीजिए, रिवर्स किया, स्टेयरिंग देखना बस, स्टेयरिंग और कुछ ना देखें आप, सिर्फ स्टेयरिंग पे जोड़ दें। अभी थोड़ी गाड़ियां हैं तो हम थोड़ा गाड़ी के जाने का वेट कर रहे हैं। स्टेयरिंग को देखना, मूवमेंट देखना, ये देखो घूम रहा है ना। अब ये देखो पूरा स्टेयरिंग घूमेगा, देखना वाओ। ये देख लीजिए ओहो ओ वाओ ओहो, आगे जा रही है और ये ओहो कंप्लीट ऑटो पार्क। तो चलिए अब इस गाड़ी की बात करते हैं कि भाई ये गाड़ी जो है किस प्राइस रेंज में अवेलेबल है ऑटो बस इम्पीरियो पे, क्योंकि ये गाड़ी है फॉर सेल। जी सो वॉल्वो जो होती है हमेशा ही अफोर्डेबल रेंज में रहती है, एंड ये वाली वॉल्वो भी जो है बिल्कुल रीसेंट मॉडल है, 19 मॉडल, 15,000 भी एक्जैक्टली अभी क्रॉस नहीं करें, वो आपने मीटर पे देखा ही है अभी। ओके, एंड अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो वी आर आस्किंग 48,75,000 फॉर दिस, द कार इज स्टिल अंडर इंश्योरेंस। ये तो रही प्राइस की बात, अगर आपको लोन करवाना है, फाइनेंस चाहिए गाड़ी पे, तो वो भी अवेलेबल है, वो भी बता देंगे। बिल्कुल, पैन इंडिया लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कहीं से भी आप कॉल ज़रूर करें, आपको बेस्ट से बेस्ट असिस्टेंस मिलेगी। उसके साथ साथ आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर हमारी गाड़ियाँ देख सकते हैं, सारी लिस्टेड है, जो कि है www.autobest.co.in, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जाकर देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारे शोरूम पर फिजिकली विजिट करके सारी गाड़ियाँ देख सकते हैं, जो कि है मेन रिंग रोड रजौरी गार्डन। पॉकेट साइज अभी हम अगर कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली वो चल रहा है 18-19 लाख से। तो आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको प्रीमियम कार्स की भरमार वैरायटी मिलती है ऑटो बेस्ट इम्पीरियो पे, आप इंक्वायरी ज़रूर करें। आप जो भी गाड़ी ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि आपकी ड्रीम कार इनके शोरूम में ही आपको अवेलेबल मिल जाए। तो इसी नोट के साथ हम लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।